स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी गर्मी की छुट्टियों का काम अच्छे से सर अंजाम दे रहे होंगे। आइए आज मेरे साथ मिलकर करते हैं जमात खत्म की उर्दू के समर पैक का काम। चलिए आइए मेरे साथ मिलकर खोलते हैं किताब सफ़ा नंबर 31, सरगर्मी नंबर 11 पे। देखिए, दर्ज है जुमलों में से हरूफ निदा, हरूफ तासुफ, हरूफ जार, हरूफ इस्तफहाम, हरूफ इस्तजाब की निशानदही करके दी गई जगह पर लिखिए। अब पहला मेरे पास जुमला है, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। हम अल्लाह ताला से क्या कर रहे हैं? फरियाद कर रहे हैं। ये जुमला है हरूफ निदा, यानी कि निदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला से फरियाद मांग रहे हैं। अब दूसरा मेरे साथ जुमला पढ़िए, ए लड़के तुम किधर जा रहे हो? अफसोस, उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। वाह कितना हसीन मौसम है, तमाम चीज़ें मेज़ पर रख दो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मेरी बहन छठी जमात में पढ़ती है। आप कब लाहौर आएंगे? ये अब आपके पास जुमले हैं, मैंने आपके सानी के लिए इनको फिल कर दिया है। सरगर्मी नंबर 12 पे चलिए, दरसी किताब में दी गई नज़्म हम का मरकज़ी ख्याल तहरीर करे। हम दे मरकज़ी ख्याल, इस नज़्म में शायर हम का मरकज़ी ख्याल बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ही इस हकीकी कायनात का मालिक व खालिक है और दुनिया का निज़ाम उसी की हिकमत से रवा दवा है। वो इज़्ज़त अजमत वाला और बड़ाई वाला है। वो हमारी नीयतों से वाकिफ़ है, वही आखिरत में हमारे माल का फ़ैसला करेगा। सरगर्मी नंबर 13 पे चलिए मेरे साथ, दरसी किताब में दी गई कहानी सबक को अपने अल्फाज में लिखिए। जैसे कि आप जानते हैं, आपने कहानी पढ़ी है चचा चक्कर ने तस्वीर टांगी। ये एक मज़ाया कहानी है और इसका आप आगाज़ लिखिएगा कि कैसे चचा चक्कर ने अपने तमाम घर वालों को तस्वीर टांगने के लिए इकट्ठा किया, किसको कौन सी जिम्मेदारी के लिए लगा दिया कि तुमने मुझे कील पकड़ाना है, एक ने हथौड़ी देनी है, फिर जगह का इंतखाब किया गया, कैसे इस कहानी तस्वीर को लगाने के लिए कहानी का इब्तदा एक आगाज़ हुआ, फिर दरमियान में कैसे चचा चक्कर ने उस तस्वीर को लगाने के लिए जतन किए, फिर उसका आखिर में आप इख्तिताम लिखिएगा। सरगर्मी नंबर 14 पे देखिए, पढ़ाए गए साथ में से कोई से एक सबक का खुलासा लिखिए वतन के लिए। मैंने आपके लिए यह नज़म का नाम लिख दिया वतन के लिए। वतन के लिए आपने पढ़ी है, इसमें से पहले उसका आगाज़ लिखिएगा, कैसे हम वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी नेमतें हैं जिसको हम वतन के होते हुए इस्तेमाल करते हैं, फिर उसका बाकायदा से आप इख्तिताम कीजिएगा। सरगर्मी नंबर 15 पे चलते हैं, सरगर्मी नंबर 15 पे देखिए, आपके वालिद का तबादला दूसरे शहर में हो गया है। वहाँ स्कूल में दाखिले के लिए अपने मौजूदा प्रिंसिपल के स्कूल के प्रिंसिपल के नाम सर्टिफिकेट के हसूल की दरख्वास्त लिखिए। जैसे कि जानते हैं, दरख्वास्त के लिए हमने कौन सा पैटर्न लिखते हैं? बाख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा लाइट स्कूल इस्लामाबाद, जनाब आलिया, गुजारिश है कि मेरे वालिद का तबादला दूसरे शहर में हो गया और हमें भी उनके साथ जाना पड़ेगा। वहाँ स्कूल में दाखिले के लिए मुझे सर्टिफिकेट चाहिए ताकि मैं आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ। बरए मेहरबानी मुझे सर्टिफिकेट दे दें, शुक्रिया। अल आर्ज़ आपका शगिर्द या आपकी शगिर्दा अलीबा बे जी। यहाँ पर आप अपना नाम तहरीर करना चाहें तो कर सकते हैं। 26, सरगर्मी नंबर 16, दादा जान के नाम हज की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद का ख़त लिखिए। जैसे कि आप जानते हैं कि ख़त का पैटर्न है गोरी टाउन इस्लामाबाद। आज की हम तारीख लिखेंगे 22 जून 2023। प्यारे दादा जान, अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि आपको अल्लाह ताला ने हज की सादत दी है और आप इस साल हज पर जाएंगे। वहाँ जाकर आप मेरे इम्तहान के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा और वहाँ से मेरे लिए बहुत अच्छा सा एक लैपटॉप या बहुत अच्छा सा टैब लेकर आइएगा। इस तरह की जो भी चीज़ें आप अपने दादा जान से मंगवाना चाहते हैं वो आप इसमें अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं और आप नीचे इस ख़त का इख्तिताम करेंगे अपनी दुआओं में, याद रखिएगा आपका प्यारा बेटा पोता अली। ठीक है, चलिए आइए सरगर्मी नंबर 17 पे चलते हैं। सरगर्मी नंबर 17 पे देखिए, दर्द है तस्वीर को देख कर लिखिए कहानी लिखिए और इखलाकी सबक भी लिखिए। ये हमारे पास तस्वीर बनी हुई है, एक रीच है, दो अदद दोस्त हैं, जंगल है, पीछे दरख्त है। अब आपकी आसानी के लिए मैंने कहानी भी तहरीर की हुई। आप कहानी का आगाज़ कैसे करेंगे? एक दफ़ा का जिक्र है, दो दोस्त जंगल की सैर को गए। जैसे ही पहुँचे जंगल में जानवर आ गया, फिर उन्होंने कैसे अपनी जान बचाई और उन्हें आखिर में क्या सबक, इखलाकी सबक मिला। इखलाकी सबक आपके लिए मैंने लिखा है, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। सरगर्मी नंबर 18 पे देखिए, दो भाइयों के दरमियान बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी के बारे में मुकालमा लिखना है। अब दो भाई हैं अली और अमजद है, एक दूसरे से सलाम दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम, अमजद कह रहा वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अली? अमजद जी भाई मैं ठीक हूँ, आप बताएँ कैसे हैं?
अली, नहीं तबीयत नासाज है, सांस में दुश्वारी है, मतलब माहौलियाती आलूदगी के बारे में वो बातचीत कर रहे हैं। तो इसी तरह आप भी अपने वालदा की मदद से और दिए गए ज़हीरा अल्फाज की मदद से इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। चलिए आइए हम अब अपनी सरगर्मी नंबर 19, जहाँ आज हमारी सरगर्मी 19 है, स्कूल में मुनक्कद होने वाले तकरीब तकसीम इनामात की रुदाद नवीसी अपने अल्फाज में लिखिए, कि मतलब उस इस तकरीब का जो हाल अहवाल है, आपने सारे दिन में कैसे उस तकरीब को अटेंड किया, उसका आपने यहाँ पे अल्फाज में अपने अल्फाज में उसकी रुदाद लिखनी है। तकरीब का आगाज़ कैसे हुआ, कलाम पाक पढ़ा गया, हम तो सना से हुआ, फिर मेहमानों की आमद आई हुई, फिर हमने मुअज्जज मोहतरम मेहमान को बुलाया, उनकी स्टेज पर आमद हुई, हमने तालियां बजाई, फिर उसके बाद तफरीकी टैबलू पेश किया गया, तलबा में इनामात तकसीम किए गए, फिर उसके साथ असातिज़ा में इनामात की तकसीम हुई, फिर लंच ब्रेक हुआ, फिर उसके साथ ही हम इख्तिताम करेंगे। तो क्लास सरगर्मी नंबर 4 आप लोगों की, हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आप क्या जानते हैं, बयान कीजिए। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद हैं, और ये इनका नाम अबू सुफियान बिन हर्ब, यानी इनके वालिद का नाम क्या है, हर्ब। हज़रत अबू सुफियान बिन हर्ब ये सहाबी रसूल थे, और जब इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया फतह मक्का से पहले, तो उस वक़्त जब इस्लाम जाहिर हुआ, इस्लाम एक उरूज पर पहुंचा, तो इस्लाम के उस वक़्त जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा मुखालफत की थी वो लोग कौन थे, वो लोग कुरैश के बाअसर लोग थे, कुरैश के सरदार थे, और वो लोग जो लोग हमें अपने आप को बाअसर और रईस कहते थे, और उनमें अबू सुफियान का जिक्र भी आता है। यानी जब आपने इस्लाम कबूल नहीं किया था उस वक्त आप इस्लाम के बहुत खिलाफ थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आप पर रहम फरमाया और फतह मक्का के मौके पर आपने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला सबसे पहले जिस गज़वा में शरीक हुए वो गज़वा है गज़वा हुनैन, और आपने वहाँ पर एक बहुत बहादुरी के साथ कारनामे शिरकत की, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम ने आपको 100 ऊँट भी अता फरमाए थे। आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने गुजरने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब शाम की तरफ फ़ौज कशी की जंग यरमूक की तरफ, तो जंग यरमूक में भी हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शरीक हुए, ना सिर्फ ख़ुद शरीक हुए बल्कि अपने साथ अपने सारे के सारे ख़ानदान को भी अपने साथ शरीक किया। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुई 640 ईस्वी में, और आपकी उम्र उस वक़्त 88 यानी 88 साल थी, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा पढ़ाया था। इसी तरह क्लास सरगर्मी नंबर 5, ग़ज़वा हुनैन की रोशनी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी और बसीरत पर एक पैराग्राफ लिखिए। क्लास सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ग़ज़वा हुनैन कब पेश आया, इसको ग़ज़वा हुनैन क्यों कहा जाता है। तो याद रखें क्लास, ग़ज़वा हुनैन जो है ये 8 हिजरी 630 ईस्वी को पेश आया है, और इसको ग़ज़वा हुनैन इसलिए कहा जाता है कि ये मक्का और ताइफ के दरमियान एक वादी का नाम है, वादी का नाम हुनैन था, और चूंकि इस मकाम पर ये जंग हुई थी ये, तो इसलिए इसको ग़ज़वा हुनैन कहा जाता है। और मक्का और ताइफ़ के दरमियान दो कबीले मौजूद थे, एक था कबीले बनू हवाज़न और दूसरा था कबीले बनू सकीफ़, ये दो बड़े कबीले और जंगजू कबीले थे। फतह मक्का के मौके पर जब आप अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ी फतह नसीब हुई, तो इन लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया बल्कि इस्लाम को और मुसलमानों को अपने खिलाफ एक ख़तरा समझा, जिसकी वजह से इन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ हमला करने का एक बहुत बड़ा मारका और एक बहुत बड़ा कदम एक प्लान बनाया, और ये मुसलमानों के खिलाफ अभी तैयारी कर ही रहे थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने एक जासूस इनकी तरफ भेजा, जो कि जिसने आकर आप अलैहिस्सलाम को सारे वाक़यात से आगाह किया कि बनू हवाज़न और बनू सकीफ़ ने अपने तमाम कबीलों को जमा कर लिया है और मुसलमानों के खिलाफ वो जंग अराई करने वाले हैं। इनका जो सरदार बनाया गया था, जिसको रईस कहा गया था, जो सिपा सलार था इन कबीलों का, इसका नाम था मालिक बिन औफ। ये एक 100 साल से ज़्यादा उम्र का शख्स था, जो कि जंगी महारत रखता था, ठीक है। उन्होंने इसको अपना कहने सिपा सलार बनाया, जो कि इनको मुख्तलिफ मकामात के ऊपर बताता था कि आप लोगों ने इस मकाम पर ठहर कर इन पर हमला करना है।
तो चूंकि ये सिपा सलार था और उन वाक़ियात से और उन जगहों की मालूम थे इसको कि किस जगह से हम कहने में अगर हमला करेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं, तो लिहाजा मुसलमानों की तरफ से तकरीबन 12,000 की तादाद थी या इससे कम उबेश हो सकती है। तो वो तादाद जब सामने आई उनमें से कुछ नौ मुस्लिम थे, नौ मुस्लिम से मुराद वो लोग जो कि अभी इस्लाम कबूल किए और कुछ गैर मुस्लिम भी थे। तो जंग के दौरान जब इन लोगों ने मुसलमानों पर हमला किया और हमले में मुसलमान मुंतशिर हो गए, मुसलमान क्या हो गए, आपस में मुसलमान नौ मुस्लिम और जो गैर मुस्लिम थे वो मुंतशिर हो गए, तो आप अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर बहादुरी और बसीरत से काम लिया। आप अलैहिस्सलाम डटे रहे, आप अलैहिस्सलाम पीछे नहीं हटे, आपने तलवार अपने हाथ में ली और आपने बबाग में दबंग कहा, एक नारा लगाया, अनन नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, यानी मैं नबी हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ और मैं अब्दुल मुत्तलिब का क्या हूँ बेटा, यानी जारी बात भतीजा जो है और चाचा जो है उसको बाप और बेटे के नाम से मनसूख किया करते थे, तो अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब यानी मैं क्या हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा। तो इस पर जितने भी सारे कहने में अंसार साहबा थे और महाजरीन थे वो सारे के सारे आए और उन्होंने दोबारा से कहने में इस बनु हवाजन और बनु सकीफ के जो लोग थे उनके पर हमला किया, और यहाँ तक कि वो लोग भी इतने जंगजू थे कि लड़ते रहे, उनके 70 बहादुर बड़े कट गए लेकिन उन लोगों ने अपनी जंग नहीं छोड़ी और यहाँ तक आखिर में आकर उनका जो आलमबरदार था उस्मान बिन अब्दुल्ला जब वो कत्ल हो गया तो फिर इस वक्त उन लोगों के पाँव उखड़ गए और उन लोगों ने शिकस्त खाई। तो देखिए आप अलैहिस्सलाम की बहादुरी और बसीरत, नहीं आप अलैहिस्सलाम ने बावजूद इसके के लोग कहने में वहाँ पर बिखर गए थे, आपने क्या किया, आप डटे रहे, आपने तलवार ली और आपने कहने में वहाँ पर बसीरत से काम लिया और फिर अंसार साहबा और महाजरीन जो है वो वापस पलटे और उन्होंने ऐसा हमला किया कि जंग को अपने अपने हक में और फतह फिर हासिल हो गई उनको। आज हमारी जो सरगर्मी है वो है सरगर्मी नंबर 6 इस्लामियात की, ठीक है। इसमें आपका ये क्वेश्चन है कि इस्लामी इबादत से मसावात के बारे में हमें क्या सबक मिलता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको इबादत का बता दूं कि इबादत क्या है। इबादत क्या है बेटे, कि अल्लाह ताला के लिए जो हम अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनूती के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, उसकी हमदो सना करते हैं, उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसको अकेला और यकता मानते हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, इबादत में शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मसावात। अब मसावात क्या है, मसावात के बेटे मायने हैं बराबरी, इक्वलिटी, एक जैसा होना, मतलब कोई भी किसी से बढ़तर नहीं है, इस बात पर यकीन रखना। और अगर किसी को बेटे किसी पर बढ़तरी हासिल भी है ना, तो वो सिर्फ़ क्या है, तकवा के बिना पे है। इस्लाम में तमाम लोग यानी अल्लाह ताला की नज़र में तमाम लोग बिल्कुल क्या हैं, बराबर हैं, वो एक जैसे हैं। और अगर किसी को किसी पर कोई बर्तरी हासिल है तो वो सिर्फ़ तकवा की बिना पे है, यानी जो कोई परहेज़गार है, जो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा डरता है, अल्लाह ताला की नज़र में क्या है, वो ज़्यादा अच्छा है, या अल्लाह ताला की नज़र में वो अल्लाह ताला की नज़र में वो क्या है, वो सुपीरियर है, यानी सिर्फ तकवा की बिना पे। बाकी क्या है कि इस्लामी कानून के मुताबिक क्या है, सबको बराबर नज़र से देखना, सबको बराबरी के इख्तियारात देना, सबको बराबरी का हक देना, उनके फ़र्ज़ की अदायगी करना क्या है, मसावात के मायनों में आता है। अब आपका क्वेश्चन ये था कि इस्लामी इबादत से मसावात के बारे में हमें क्या सबक मिलता है, यानी जो इबादत अल्लाह ताला ने हम पर क्या है फ़र्ज़ की हैं, जैसे नमाज हो गई, रोज़ा, हज, ज़कात, उसका बराबरी के साथ आपने रिलेशन बताना है, ठीक है, उससे हमें क्या सबक मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि नमाज जब आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो सब लोग एक सफ में खड़े होते हैं, ऐसे ही है ना, यानी आपको नहीं पता होता कि जो शख्स घर से आया उसका बैकग्राउंड क्या है, वो अमीर है, गरीब है, वेल एजुकेटेड है या जाहिल है, कोई भी है, हमें नहीं पता होता, लेकिन क्या है अल्लाह ताला की नज़र में सब बराबर हैं और वो एक ही सफ़ में खड़े होकर क्या है नमाज़ पढ़ते हैं। आगे आ गया रोज़ा। रोज़ा क्या है, सब एक जैसा रोज़ा रखते हैं, सब्र करते हैं, गर्मी हो सर्दी हो उस रोज़ा रखते हैं और एक महीने में रोज़े रखते हैं, ठीक है, जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं।
ऐसे तो बेटे नफली रोज़े आप पूरा साल किसी टाइम पे रख सकते हैं सवाए ईदेन के दिनों में, लेकिन क्या है कि जो फ़र्ज़ रोज़े हैं, जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ इबादत करार दी है रोज़े, वो रमज़ान में एक जैसे वक्त पे सब रोज़ा रखते हैं और एक ही वक्त पे क्या है खोलते हैं, यानी उसको इफ्तार करते हैं, तो उसमें भी क्या है सब बराबर होते हैं। अब आप हज के मौके पर देख लें कि हज के मौके पर भी सब अल्लाह ताला के यहाँ जब जाते हैं वो एक तरह का लिबास पहनते हैं जिसे अहराम कहते हैं, सफ़ेद कलर का जो होता है, तो क्या है कि वो सब हमें नहीं पता ना कोई किस बैकग्राउंड से आया हुआ है वहाँ पे भी, लेकिन वो सब अल्लाह ताला की नज़र में क्या है बराबर हैं, ठीक है। उनमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई काला गोरा नहीं, अल्लाह ताला की नज़र में क्या है सब बराबर हैं। और अगर कोई जैसे कोई करता है कुछ कोई जुर्म करता है तो इस्लाम में क्या है सबके लिए बराबरी की सज़ा है, यानी इस्लाम में ये नहीं कि अमीरों को सज़ा नहीं दी जाती और गरीबों को सज़ा दी जाती है, ऐसा नहीं है। आप सबको वो कुरैश के वाला वाक्या याद होगा कि जब कुरैश की एक औरत ने चोरी की थी तो हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु को लोगों ने क्या है कि वकील उनका बना के भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करें कि ये कुरैश की औरत है तो इसको सज़ा ना दी जाए। तो अल्लाह सल्लम ने यह कहा था कि अगर ये मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ कटवा देता, यानी सज़ा और जज़ा के लिए या इस्लाम में तमाम तरीक़ों से क्या है सब बराबर हैं, यानी किसी पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है। तो आपने ये सारे पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, यानी इस्लामी इबादत का बताना है कि हर इबादत के साथ आपका यानी इबादत का मसावात से किस तरह का रिलेशन है और उससे आपको क्या सबक मिलता है। सबक बेटे यही मिलता है कि सब क्या हैं बराबर हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट सरगर्मी 7, आपने डेट मस्ट लिखनी है बेटे। उसके बाद है दुआ मांगने के आदाब लिखिए। अब दुआ क्या है बेसिकली बेटे? दुआ का मतलब होता है पुकारना, ठीक है। यानी जब आप अल्लाह ताला से, बेशक सब मुसलमान हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, तो क्या है आप अल्लाह ताला को पहले पुकारते हैं, अपनी तरफ अल्लाह ताला को मतवजा करते हैं और फिर क्या है उसे दुआ मांगते हैं। दुआ के जो लफ्ज़ी मायने हैं बेटे पुकारना के हैं, जबकि इस्लाम में ये है कि बारगाह इलाही में, यानी अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला को कादिर और मुतलिक मान के दरख्वास्त करना, यानी जो चीज़ भी आपको चाहिए, जो दुआ मांगनी है आप वो दुआ मांगते हैं और इस बात पे पूरा यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला खालिक और मालिक है और वही आपको अता करने वाला है। यानी कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आप अल्लाह ताला से मांगते हैं और वो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करता है। अच्छा, आगे क्या है कि कुरान पाक में, बेशक बेटे इसके लिए ना कुरान पाक में बताया गया, अल्लाह ताला खुद फरमाता है वकाल रब्बुकुम उद्उनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारा रब फरमाता है, बेशक अल्लाह ताला कुरान पाक में ख़ुद फरमाता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो और मैं तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करूँगा, ठीक है। आप जब भी अल्लाह ताला से सच्चे दिल से कुछ भी मांगते हैं अल्लाह ताला वो आपको ज़रूर अता करता है। और अब क्या है कि क्वेश्चन था दुआ मांगने के आदाब। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन से बेसिक एथिक्स हैं जो दुआ मांगते हुए अगर आप उन पर अमल करते हैं तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे आपके यहाँ पे पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 4, 5, ठीक है, पॉइंट्स बने हुए, ब्लॉक्स बने हैं जिनमें आपने राइट करना है। उसमें यह है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो दुआ मांगे तो कोशिश करें आप बावज़ू हों, यानी वज़ू करके आप दुआ मांगते हैं तो वो दुआ ज़्यादा असर रखती है, ठीक है, बावज़ू होकर दुआ मांगें। नंबर 2, आप जब भी दुआ मांगें कोशिश करें आपका फ़ेस खाना काबा की तरफ हो, यानी बैतुल्ला शरीफ की तरफ हो और आपकी सारी तवज्जो आपकी दुआ में मरकूज़ होनी चाहिए, ठीक है, आपकी तमाम तर तवज्जो आपकी दुआ में होनी चाहिए। ये नहीं कि ध्यान कहीं और है और दुआ कुछ और मांगी जा रही है, ऐसे दुआ कबूल नहीं होती। आप जो चाहते हैं या जो आपकी विश है आप दिलो जान से उस विश के लिए दुआ मांगें तो वो दुआ ज़रूर कबूल होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कोशिश करें दुआ मांगते हुए आपके हाथ खुले हुए हों, ठीक है, उनका रुख क्या है आपके हाथों का यानी हथेलियों का रुख जो है वो आपके फेस की तरफ होना चाहिए जब भी आप दुआ मांग रहे हों, ठीक है, और दुआ मांगने के बाद अपने फेस पे हाथ ज़रूर फेरें। ये बेसिक अदाब हैं बेटे, बेसिक एथिक्स हैं जो दुआ मांगते हुए आपको मद्देनज़र रखने होते हैं, ठीक है। और दुआ मांगते हुए क्या करना है कि सबसे पहले अल्लाह ताला की जो बेहतरीन दुआ है, ठीक है, दुआएँ तो बेशक सब बेहतरीन है बेटे, आप कुछ भी अल्लाह ताला से मांग सकते हैं, लेकिन जो एक बेहतरीन दुआ का तरीका है ये जो अदाब है वो ये है कि सबसे पहले आप अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करें, ठीक है, अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह ताला ने जो भी आपको अता किया है ऑलरेडी उसका शुक्र अदा करें। जब आप उसका शुक्र अदा करते हैं बेटे वो खुश होता है, और उसके बाद फिर अपनी हाजत बयान करें, यानी उसके बाद वो चीज़ मांगें जिस चीज़ की आपको नीड है, जो चीज़ आपको चाहिए आप अल्लाह ताला से वो एंड पे मांगें, ठीक है, तो अल्लाह ताला उसके लिए आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। अब नेक्स्ट पे आ जाए बेटे, नेक्स्ट है आपका
सरगर्मी नंबर 8 जिसमें है दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। ये काफ़ी इजी है, लेकिन मैं पढ़ती हूँ, आप देख लें। नंबर 1 आखिरी रसूल का नाम बताएं। नंबर 1 है इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो आखिरी नबी कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्लियर। नंबर 2 ज़कात कैसी इबादत है? आपको पता है ज़कात क्या है? रुपये पैसे से है ना, तो देखें बदनी, नंबर 2 माली, नंबर 3 ज़ुबानी। बदनी वो होता है बेटे जिसे जिसमें आपका फिजीक यानी आपका फिज़िकली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, आपका बदन इन्वॉल्व होता है, आपकी बॉडी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। माली वो होता है जिसमें आपका माल इन्वॉल्व होता है, और ज़ुबानी वो होती है इबादत जैसे आप नमाज़ पढ़ी हैं या आप कह लें कि दुआ मांग रही हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ज़कात माल से दी जाती है, तो ये क्या होगी? माली इबादत। नंबर 3 दुआ के मायने क्या है? तलब करना, पुकारना या दौड़ना। मैंने आपको अभी बताया है कि दुआ का मायने क्या होता है? पुकारना, यानी आप अल्लाह ताला को पुकार के उससे दुआ मांगते हैं। ग़ज़वा हुनैन में दुश्मन के कितने आदमी मारे गए? ग़ज़वा हुनैन 50, 60 या 70। तो ग़ज़वा हुनैन में 70 आदमी मारे गए। नंबर 5 सहावत करने वाले को क्या कहते हैं? बखील, सखी या मुनाफिक। बेटे बखील वो होता है जो कंजूस होता है, ठीक है। सखी वो होता है जो खुले दिल का होता है और जो जायज़ जगह पे खर्च करता है। और मुनाफिक वो होता है बेटे जो दिल और दिल में कुछ और रखता है और ज़ाहिर क्या है, उसके दिल में कुछ और होता है, वो ज़ाहिर कुछ और कर रहा होता है। तो सहावत करने वाले को हम क्या कहेंगे? सखी। नंबर 6 अल्लाह ताला किस अमल को पसंद करता है? मुनाफ़िक, मुनाफ़िक मैंने अभी आपको मुनाफिक का बताया है कि जिसके दिल और दिल में कुछ और वो ज़ाहिर कुछ और करता है, तो ऐसे अमल को तो अल्लाह ताला कभी पसंद नहीं करेगा। बुज़दिली यानी कि बुज़दिल होना, कमज़ोर दिल होना, हक़ की बात करते हुए डरना, तो ऐसे शख्स को भी अल्लाह पसंद नहीं करेगा या ऐसे अमल को भी अल्लाह पसंद नहीं करेगा। तो सहावत, सहावत का मतलब होता है खुले दिल वाला, ठीक है, जो खुले दिल से हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। नंबर 7 ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन असूल क्या है? ठीक है, मियाना रवि, बुख़ल या बुज़दिली। मियाना रवि बेटे वो होता है जो आप, मियाना रवि का मतलब होता है बेटे कि जायज़ जगह पर खर्च करना, ठीक है, जहाँ पे जितनी ज़रूरत हो उतना खर्च करना, यानी अपनी चादर को देख के पाँव फैलाना। बुखल वो होता है जो कंजूसी करता है, ठीक है, और बुज़दिल वो होता है जो कमज़ोर दिल है, यानी बुज़दिली जाहिर करता है, ठीक है, वो कुछ कर सकता है लेकिन वो करता नहीं है। तो अलग क्या है ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन? और आपका लास्ट पॉइंट है बेटे इज़्ज़त और तकरीम का मेयार क्या है? मालो दौलत, सहावत और तकवा। ठीक है, आपको मैंने अभी उसमें बताया ना मसावात वाले टॉपिक में कि अल्लाह ताला के नज़दीक इज़्ज़त और तकरीम किसके लिए है? जो तकवा इख्तियार करता है। मालो दौलत से तो कुछ भी नहीं होता, वो आज आपके पास है कल किसी और के पास चला जाएगा। सहावत भी अच्छा अमल है, लेकिन क्या है कि इज़्ज़त और तकरीम का मेयार क्या है? तकवा है। यानी अगर अल्लाह ताला के नज़दीक किसी को इज़्ज़त और बरतरी हासिल है तो वो सिर्फ तकवा के बिना पे है। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।